दूसरी तरफ अगर देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से तो अलग हो चुके हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका चाहते हैं और यही वजह है कि अविनाश पांडे ने उनसे मुलाकात भी की है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, महासचिव हैं, और इन दिनों उत्तर प्रदेश में वो अपनी पार्टी को जोड़ने, समाजवादी पार्टी से सामंजस्य बिठाने और कैंडिडेट्स का नाम तय करने में इस वक्त जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के साथ दो राउंड की बैठक हो चुकी है और ये पूरी कोशिश समन्वय और सामंजस्य की है कि जो 17 सीटें उन्हें मिली हैं उन 17 सीटों पर किस तरीके से दोनों पार्टियां बिल्कुल एक होकर चुनाव लड़ें, यानी उसमें कोई भेद न रहे कि ये सपा है ये कांग्रेस है, बिल्कुल एक हो जाएं और एक होकर के चुनाव लड़ें। इसी क्रम में आज दूसरी बैठक थी पार्टी दफ्तर में समाजवादी पार्टी के, जहां अखिलेश यादव, नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से ये तमाम नेता थे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तरफ से अविनाश पांडे, अजय राय और साथ साथ आराधना मिश्रा, बकायदा तमाम नेताओं का पूरा पैनल बैठा था और आज दोनों पार्टियों के समन्वय को लेकर के बैठक हुई। और समन्वय में खास करके वो 17 सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ी है, वहां पर सपा का गठबंधन कैसे कांग्रेस पार्टी के काम आए, ये आज की बैठक का मूल मुद्दा था। तो समाजवादी पार्टी ने अपने सभी संगठन के लोगों को, इन सभी 17 लोकसभा क्षेत्रों के संगठन के लोगों को, जिलाध्यक्ष से लेकर के जितने भी इनके इनकी वाहिनी प्रकोष्ठ और जितने भी समाजवादी पार्टी के संगठन के इन सभी 17 लोकसभा क्षेत्रों के लोग हैं, नेता हैं, उन्हें बुलाया गया, बकायदा सबका तारुफ कराया गया, परिचय कराया गया और कांग्रेस पार्टी को सभी नेताओं के नंबर दे दिए गए और ये कहा गया कि अब कांग्रेस और सपा को बिल्कुल एक होकर के लड़ना है। कांग्रेस पार्टी को यह डर था कि कई ऐसी सीटें हैं जो सपा नहीं देना चाहती थी और उन सीटों को समाजवादी पार्टी ने दिया है कांग्रेस के लिए। ऐसे में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच और संगठन के बीच किसी तरीके का मतभेद ना हो, कोई इसको अलग ना समझे, इसलिए ये बैठक की गई। आने वाले वक्त में ऐसी और बैठकें होने की काफ़ी गुंजाइश है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो 17 सीटें दी गई हैं, इन 17 सीटों पर कम से कम कांग्रेस और सपा बिल्कुल ऐसी एक होकर के लड़ें कि उनके जीतने की गुंजाइश कम से कम बन सके, ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन और मजबूत हो। यही नहीं, पिछली मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मांग की कि 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, वहां भी कांग्रेस पार्टी को सीटें दी जाएं और मिलकर लड़ें। यानी कि ये सिर्फ एक मैसेज देने की ये कोशिश है कि ये चुनाव सिर्फ दो पार्टियों के गठबंधन से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि सपा और कांग्रेस आने वाले चुनाव में या फिर लंबे समय तक एक दूसरे के साथ चलने के की एक कोशिश में है, एक मादा रखते हैं और ये एक मैसेज उनके लोगों को दिया जाए। खैर, आज की मीटिंग खत्म हुई, लेकिन इस मीटिंग के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे अविनाश पांडे अपनी तरफ से मायावती को अप्रोच कर देते हैं, मायावती से को ऑफर डाल दे देते हैं। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात भी हुई और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कहा कि अखिलेश यादव से उनके कोई मनमुटाव नहीं है। तो क्या एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सीधे सपा में तो नहीं लेकिन इस गठबंधन में सहयोगी बनने जा रहे हैं? बहुत मुमकिन है, इसलिए क्योंकि बीजेपी अगर संगमित्रा मौर्य का टिकट काटती है उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पुराने रुख पर दोबारा आएंगे और खुलकर फिर इंडिया गठबंधन के साथ न सिर्फ खड़े होंगे बल्कि हो सकता है कि अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए फिर इंडिया गठबंधन से सीटें भी ले लें। तो इन तमाम संभावनाओं पर हमारी नजर रहेगी। अब अगली खबर।